जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला 18 से 20 अक्टूबर 2019 को नालागढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त सोलन केसी चमन ने आज नालागढ़ में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। केसी चमन ने कहा कि रेड क्रॉस समिति विश्व भर में अपने मानवीय कार्यों के लिए जानी जाती है। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में रेड क्रॉस समिति न केवल पीड़ित मानवता की सेवा में निरंतर जुटी हुई है, अपितु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ भी मिलकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस मेले के आयोजन से एकत्रित होने वाले धनराशि सोलन जिला में समिति की गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले में उद्योग विभाग एवं पशुपालन विभाग की प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। पशुपालन विभाग रेड क्रॉस मेले में अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के मालिकों को पुरस्कृत भी करेगी। उन्होंने कहा कि मेले में स्थानीय विद्यालयों के छात्रों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य कलाकारों मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय मेले में लक्की ड्रॉ भी निकाला जाएगा। लक्की ड्रॉ के माध्यम से 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेले में जहां रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, वहीं कृत्रिम अंग भी प्रदान किए जाएंगे। केसी चमन ने निर्देश दिए कि रेडक्रॉस मेले के विषय में समूचे क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग के साथ जुड़ सके। आज जो बैठक थी मुख्यतः ये रेड क्रॉस मेले के लिए रखी गई थी। रेड क्रॉस मेला जो जिला स्तरीय यहाँ पे होना है, पिछले साल भी होता रहा है, इस बार भी इसको हमने इसमें समीक्षा की क्या क्या इसमें होना चाहिए। ये संभावित है कि 18-19-20 को रेड क्रॉस मेला चाहिए। इसमें हमारा प्रयास रहेगा जहाँ तक ज़रूरतमंद लोगों के लिए सारी जो सुविधाएं हैं हमारे साथ इसके, मतलब चाहे वो इंस्ट्रूमेंट देना हो, ये सारा चाहे कृत्रिम अंग के बारे में है, इसका बारे में कैंप लगेगी, स्टॉल्स लगेंगे। और साथ में ये भी क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें होगी, जिसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत सरकार के हैं, प्रदेश सरकार के हैं, उनको और बैंकिंग की जो बैंक ड्रिवन स्कीम्स है, उनके भी उसमें स्टॉल लगेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में व्यापक जानकारी मिल सके। सर, एक जल शक्ति अभियान की भी बात की गई है सर, जल संरक्षण। हाँ, जल शक्ति अभियान का हमारा जो चरण है 15 सितंबर में पहला चरण खत्म होगा। काफ़ी अच्छा काम ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पे किया है, वीडियो साहब ने काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन की है। उसका हमारा ये है कि हमारी रैंकिंग नेशनल लेवल में 4th है, 4th स्थान पर नालागढ़ का ये है। तो इसमें काफ़ी जो इनपुट है, कुछ लोगों से अभी आना है, कुछ डाटा अभी अपलोड होना है लोगों का। हमने एक क्या कि ये तो एक अभियान है, इसमें उनकी क्या क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, कैसे जल स्तर को ये बढ़ाया जाए, उसके लिए उनको जागरूक किया था। नालागढ़ से अमर गुज्जर की रिपोर्ट। सोलन का भगत बैंक मना रहा है अपनी स्थापना का 50वां वर्ष। इस उपलक्ष में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लाया है भगत स्वर्ण जयंती योजना, जिसमें साल भर के लिए अपने खाते में 1,00,000 रुपए रखने पर मिलेगा 8.5% ब्याज और सीनियर सिटीजन के लिए 9% ब्याज। योजना का लाभ लेने के लिए आज ही भगत बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क करें। प्रदेश का सबसे बड़ा गैर सरकारी मेला लगातार 16 सालों से आयोजित, इस साल 15 सितंबर से 22 सितंबर तक डायनामिक इंडिया युवा मंडल पेश कर रहे हैं 17वां हिमाचल उत्सव ठोडो ग्राउंड सोलन में। ब्रॉट टू यू बाय गोल मोटर सोलन। लोक कला, संस्कृति और जीवन शैली का शानदार उत्सव, मजा लीजिए 8 दिनों तक सांस्कृतिक संध्याओं का हिमाचल और पंजाब के स्टार कलाकारों के साथ। साथ ही 100 से ज्यादा सोलन शॉपिंग फेयर के स्टाइल्स तथा झूले भी, राज्य स्तरीय कबड्डी का फोड़ा मैच, स्कूली बच्चों की डांस प्रतियोगिताएं, हिमाचल आइडल गायन प्रतियोगिता और उभरते गायकों की स्टार नाइट्स तथा और भी बहुत कुछ। और हाँ, खाने के शौकीनों के लिए लजीज फूड फेस्टिवल और हिमाचली व्यंजन खास आकर्षण। तो लॉक कीजिए डेट्स 15 से 22 सितंबर ठोडो ग्राउंड सोलन में। हिमाचल उत्सव में परफॉर्मेंस देने के लिए ऑडिशंस 10 सितंबर को सोलन में। संपर्क करें 96251 11411 94180 73600।
98571 31325। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।